यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को चेतना तिराहे पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को पंपलेट के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी, उनको हेलमेट लगाकर चलने तथा हेलमेट लगाने की हिदायत दी। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा का शुरुआत शनिवार से हुआ है। इसके अंतर्गत महानगर के प्रमुख चौराहों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, जिससे जाम जैसी समस्या का निदान हो सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। लेने समय मतलब पाकिट में डाल लीजिए, हेलमेट लगाइए। ये सड़क सुरक्षा अभियान जिला प्रशासन के द्वारा और ये पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि डीजी ट्रैफिक साहब के ये निर्देशानुसार चलेगा 15 दिवस तक। इसमें हम मतलब मान के चलें प्रमुख रूप के जितने भी सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय और जितने भी संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन स्थानों पर हम जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ठीक है यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये अभियान आज से ही शुरू हो चुका है। कुछ चौराहों को चिन्हित किया गया खास करके? कुल मिला के ठीक है 6 चौराहे चिन्हित किए गए हैं सड़क के। उस पर अलग से क्या ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, उन चौराहों की क्या समस्या है, क्योंकि जिला पुलिस का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हम शहर को जाम मुक्त करें, शहर की जाम की समस्या से हम उसको निजात दिलाएं। तो ट्रैफिक का फ्लो हम किस तरह रखेंगे, क्या मतलब ऑड आवर्स होते हैं, कब किस चौराहे पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, ट्रैफिक ज़्यादा होने का कारण क्या है, अवैध कौन कौन से स्टैंड हैं और हमारी ड्यूटियों में क्या हमारी कमी है, उसको हम ठीक करके हम चाहते हैं कि गोरखपुर की जनता को हम लोग की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, एक जाम मुक्त शहर हम ले सकते। तो गाड़ियों का चालान भी किया जाएगा इसमें? बिल्कुल, चालान भी किया जाएगा, समन भी किया जाएगा, लेकिन ये हमारी की सेकेंडरी प्राथमिकता है। हमारी जो प्राइमरी मोटो है वो है जाम से मुक्ति और लोगों को जागरूक करना। इस दौरान अगर हमारे अभियान के दौरान अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई वाहन चालक जानबूझ के या बहुत ग्रॉस वायलेशन कर रहा है, तब उसका चालान भी हो सकता है।